हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं कलरिंग करवाऊंगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? बॉल, गोल गोल सर्कल, है ना। और इसमें जब कलर करेंगे, कलर कौन से करेंगे? मल्टी कलर, जो आपका फेवरेट कलर है वो हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कलर करना। सबसे पहले करेंगे हम येलो कलर। येलो कलर जो स्मॉल सर्कल दिख रहा है ना, इसके अंदर हम कलर करेंगे। और कलर कैसे करना है आपको, जो लाइनिंग दे रखी है सर्कल की, उसके पास पास में हम पहले कलर करेंगे, ताकि लाइन से बाहर कलर नहीं जाए, है ना। इस तरह से हम कलर करेंगे, पहले लाइन के पास पास, और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद करेंगे हम जस्ट इसके सामने वाला, इसमें भी हम येलो कलर करेंगे। और कलर करना आपको बता रखा है कैसे करना है। सबसे पहले हमें कलर करना है इस लाइन के पास पास में, है ना। हम लाइन के पास पास से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ कलर होने से जब वापस कलर करेंगे तो यहाँ बाहर नहीं आएगा। लाइन के पास पास पे कलर पहले कर लेने से लाइन के बाहर कलर नहीं जाता है, है ना। इसलिए सबसे पहले कलर लाइन के पास पे करना है, जो आउटलाइन दे रखी है उसके पास पास। ये देखो, लाइन के पास कलर हो गया है। अब हम करेंगे यहाँ और कलर को एक ही तरफ चलाते हुए इस कलर को डार्क करते जाएंगे और इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लेंगे नेक्स्ट कलर। और कलर ऐसे करना है कि जो कलर कर रहे हैं पीछे जो ये बैकग्राउंड है वाइट, वो नहीं दिखना चाहिए, है ना। और लाइनें भी नहीं बननी चाहिए। देखो मैम ने कलर किया है, कहीं लाइनें नहीं दिख रही है ना, ऐसे लाइनें नहीं दिखनी चाहिए। आप स्मूथली कलर करना है आपको, नीटली। नेक्स्ट कलर लेंगे हम पिंक कलर। पिंक कलर करना है यहाँ और सबसे पहले लाइन के पास पास में। अब हम लेंगे ग्रीन। ग्रीन कलर हमें करना है यहाँ पर, सबसे पहले लाइन के पास पास। उसके बाद उसको पूरे को कंप्लीट करना है। फिर करेंगे हम ऑरेंज। ऑरेंज कलर लेंगे और इसमें हम करेंगे ऑरेंज कलर। सबसे पहले हम करेंगे लाइन के पास पास में, लाइन से बाहर नहीं निकालना है, नीटली कलर करना है। ओके, इस तरह से कलर हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिल करके इसको पूरे को लाइन के पास पास में पहले करना है कलर। उसके बाद इसको पूरे में कलर करना है।
ओके बच्चों, आपको भी ऐसे ही इसमें कलर करके फोटो सेंड करना है। ओके okay?